हेलो गाइस, आई एम सौम्या सोनी एंड यू आर वाचिंग न्यू इरा। गाइस, आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि मैम आप हमारे लिए डिटेल वीडियो लेके आइए कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स ड्यूरिंग एग्जाम, जब आप एग्जाम देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन। मीन्स जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे आपको सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ कि भाई कैसे आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। एंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भाई सिली मिस्टेक्स होने की क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आप किन बातों का ध्यान रखिए कि कभी भी आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो गाइस, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सिली मिस्टेक्स होती क्या है। तो भाई सिली मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स हैं जो कि हमें आते हुए क्वेश्चन में भी प्लस फोर की जगह माइनस वन या माइनस टू दिला देती हैं। देखो, क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या फिर क्वेश्चन में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये है कि भाई आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सिली मिस्टेक्स की वजह से आपको प्लस फोर की जगह माइनस वन मिल गया, आपका गलत नंबर आ गया, माइनस टू मिल गया। अब देखिए मेरी बात को, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या इसमें रीजन्स हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, जो भी मैं आपको टिप्स देने वाली हूं, ये मैं ऐसे ही नहीं बताने वाली हूं आपको, ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने वीडियो लाई हूं। एंड इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने जेईई मेन का एग्जाम दिया था या जब मैंने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया था, तब मैंने कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, मतलब तब मैंने कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। एंड साथ में गाइस, मेरे जो आईआईटी में फ्रेंड्स थे, जब मैं आईआईटी में थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनका एक्सपीरियंस। एंड आप जानते हैं कि 3 साल से मैं आपको यहाँ पर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम रीजन देखते हैं कि किस किस रीजन की वजह से आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीजन, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ भी आपने क्वेश्चन में लिखा है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो, लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपने मिस कर दिया, एक या दो इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर दिए। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस। अब हमने क्या किया भाई, किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड करने, या फिर किसी और चीज के नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड करने, हम क्या करते हैं कि भाई जल्दबाजी में हमें ये पॉजिटिव वर्ड दिखता ही नहीं है, हमें क्या दिखता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेट सपोज आपने सॉल्व किया, बिल्कुल सही सॉल्व किया, एंड आपका आंसर आया -1, -1.5, 0, 1, 7। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 5 हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको हम ध्यान ही नहीं देते हैं, एंड क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से हमने ये सिली मिस्टेक कर दी, एग्जाम में प्लस फोर की जगह माइनस टू या माइनस वन मिल गया। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करने का, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि भाई क्वेश्चन को पेशेंस के साथ इफेक्टिवली पढ़िए। ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बहुत धीरे धीरे पढ़िए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो स्पेशली ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पॉजिटिव, इवन, और, या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, उनको आप अंडरलाइन करोगे। आप पूछोगे मैम अंडरलाइन कैसे करें, ऑनलाइन एग्जाम है। भाई अंडरलाइन नहीं कर सकते ऑनलाइन एग्जाम में, आपको जो A4 शीट मिलती है ना, उसमें इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अलग से लिख लीजिए। पॉजिटिव पूछा है, इवन पूछा है, और, या फिर कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। नाउ ये आपकी पहली टाइप की सिली मिस्टेक हो चुकी है। नाउ सेकंड टाइप की सिली मिस्टेक जो कि मैं देखती हूँ मैक्सिमम लोगों के साथ होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूछते हैं हाउ मैनी
नहीं या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन कौन सा इनकरेक्ट है या फिर ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या फिर किसी क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, और क्या हुआ भाई कि जो ऑप्शन नंबर ए था ना वही सही था। तो हमें क्या लगता है भाई, ऑप्शन नंबर ए में तो सही बात लिखी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, जल्दी से ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आते हैं। बल्कि गलती हो गई है यहाँ पर, क्या गलती हुई है, इन्होंने करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू नहीं फॉल्स पूछा है। तो इन बातों का ध्यान देना है, स्पेशली इन टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए कि इनकरेक्ट पूछा था या करेक्ट पूछा था, ट्रू पूछा था या फॉल्स पूछा था। नाउ नेक्स्ट टाइप की स्लिप मिस्टेक, नेक्स्ट टाइप की स्लिप मिस्टेक ऐसी हो सकती है कि भाई आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। अब कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कर सकते हैं भाई, हम तो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट सॉल्व करना आता है, हम लोग जैसे बड़े लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन वहम है यार, जब एग्जाम देते हो एग्जाम का जो प्रेशर होता है, एग्जाम टाइम पे जो नर्वसनेस होती है, आप बहुत ज़्यादा तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, पेशेंस की कमी के कारण कभी कभी हम छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। एक बच्चा 10 प्लस 2 को 11 भी समझ लेता है। आप कहोगे भाई ऐसा मूर्ख कौन है, ऐसी मूर्खता हम जैसे लोग ही कभी कभी कर देते एग्जाम में। या फिर मान लीजिए कि आपको लिखना था 10 × 10 100 और 100 की जगह धोखे से मैंने 10 ही लिख दिया, ऐसा होता है। ये सिली मिस्टेक से एग्जाम में इतने नर्वस होते हैं कि हम इस टाइप की मिस्टेक भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट। अब नाउ कैलकुलेशन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, सबसे पहली बात कैलकुलेशन जब आप कर रहे हैं तो एक तो बहुत लेंदी मेथड होता है, एक होता है स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करना है। अगर आपको नहीं पता कि स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन कैसे करना है, देन यू मस्ट वॉच माय वीडियोस, जो मेरी मैथ्स की वीडियोस हैं, जब उसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूं, मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूं, और उस टाइम पे आप देखना कि किस तरह से स्मार्ट तरीके से मैं कैलकुलेशन करती हूं। आपको स्मार्ट अप्रोच लेनी चाहिए कैलकुलेशन करते समय। दूसरी बात, पेशेंस रखना है। हो सकता है कि भाई कैलकुलेशन करने में आपने 5 सेकंड की देरी दिखाई, लेकिन 5 सेकंड की देरी दिखाने से आपका आंसर एक ही बार में सही आ गया, और लास्ट में आप ये चेक नहीं कर रहे हो कि भाई कहां गलती है कहां गलती है, और पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की कैलकुलेशन को फिर से चेक करोगे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो समझिए पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करिए बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट टाइप की मिस्टेक क्या हो सकती है, नेक्स्ट टाइप की मिस्टेक ये हो सकती है कि भाई हम जो रफ कर रहे हैं, रफ वर्क का मतलब समझते हो, आपको भाई क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। पहले क्या होता था, जब मैंने 2015 में एग्जाम दिया था उस टाइम पे भाई पेन पेपर मोड में होता था, इतनी छोटी सी जगह मिलती थी रफ करने के लिए, इतनी छोटी सी जगह उसी में पूरी रफ करनी है। अब तो ऐसा नहीं है भाई, एनटीए आपको A4 साइज पेपर देता है, जितने चाहिए उतने पेपर्स मिलते हैं आपको। उसके बावजूद भी कुछ लोग क्या होते हैं कि रफ करने में कंजूसी दिखाते हैं, इतना छोटा छोटा लिखते हैं या फिर बहुत कम जगह में लिखते हैं। भाई ऐसा मत करो, रफ को क्लियर लिखो। आई एम नॉट सेइंग कि आप भाई वहां पर राइटिंग का कंपटीशन करने लग जाओ, नो, राइटिंग का कंपटीशन नहीं करना, राइटिंग कोई नहीं चेक करेगा रफ की, लेकिन रफ में आप जो भी लिख रहे हो उसे क्लियरली लिखो। एटलीस्ट वर्ड्स को आप जल्दी जल्दी लिख दो, पर डिजिट्स को अच्छे से लिखो। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, मान लीजिए आपसे पूछा कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, आपने प्रोसीड किया, पहले ए की वैल्यू फाइंड की, फिर बी की, फिर सी की, फिर बताओगे कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है। लेट सपोज ए की वैल्यू 2 आई, आपने लिखा ए इज इक्वल टू 2, जल्दबाजी में 2 ऐसे बना देते हैं हम कभी कभी, एंड हम लिख देते हैं बी की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 5 आ चुकी है, एंड मान लीजिए सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ चुकी है, या फिर सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1, ठीक है। नाउ अब देखिए बड़े आराम से ए प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आनी चाहिए थी 5 + 1 = 6 + 2 = 7 = 8, 8 वैल्यू आनी चाहिए थी। नाउ हमने क्या किया, क्योंकि हमने रफ इतनी गंदी की है, अपनी राइटिंग रफ में इतनी गंदी लिखी है कि ये 2 हमें 3 दिखने लगता है, हमारा जो आंसर 8 आना चाहिए था अब वो आंसर 5 + 1 = 6 + 3 = 9 आ गया। क्या मिला, +4 या -1, -1 कभी कभी -2 भी होता है जेई एडवांस में। जब मैंने 2015 में जेई एडवांस का एग्जाम दिया था तब -2 था। तो ध्यान रखो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, रफ में एटलीस्ट क्लियर लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा क्लियर लिखो, डिजिट्स को आप जरूर क्लियर लिखो। नाउ अब
आता है मेन इंपॉर्टेंट बात कि आप ऐसा क्या करो कि ओवरऑल कभी भी आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए ये जितने भी मिस्टेक्स हैं इनमें देखिए, अगर आप ऐसा समझेंगे ना कि काम करते हैं कि भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो सिली मिस्टेक चलती है, हम रियल एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। जो प्रैक्टिस करते समय सिली मिस्टेक करोगे वो जाके आपकी एग्जाम में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, दे विल रिफ्लेक्ट इन योर एग्जाम। तो अगर आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन के टाइम से ही आप सिली मिस्टेक अवॉइड कीजिए। देखिए जब आप क्वेश्चन की सॉल्व कर रहे हैं, जब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया क्वेश्चन को प्रिपरेशन के टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं, तभी से ही आपको ये सिली मिस्टेक अवॉइड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में भी आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात समझिए ध्यान से कि देखिए जब आप एग्जाम के टाइम पे मॉक टेस्ट देते हैं, मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ पेपर देते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, उस टाइम पे भी आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। जो आप प्रैक्टिस करते समय सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, उनको बचाएंगे, वही सिली मिस्टेक्स आपको हेल्प करेंगी मॉक टेस्ट में। एंड जो आपकी मॉक टेस्ट की मेहनत है, जिस टाइम पे आपने अच्छे से पेपर दिया है, वही आपकी रिफ्लेक्ट करेगी रियल एग्जाम में। एंड जो भी क्वेश्चन आपको आता है या जो भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी आपको माइनस वन नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा क्या, प्लस फोर। तो देखिए इन बातों का ध्यान दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सभी चीजों में एक बात ध्यान देना, दे ऑल नीड ओनली पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ एग्जाम दे रहे हैं, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पेशेंस के साथ एक एक वर्ड को ध्यान दे रहे हैं, क्या पूछा है इनकरेक्ट या फॉल्स, पेशेंस के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, पेशेंस के साथ आप रफ कर रहे हैं, तो देखना कभी भी आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए पेशेंस की जरूरत है, आई नो इट कि भाई एग्जाम में नर्वसनेस होती है, एग्जाम में लगता है कि भाई टाइम कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आते हुए क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन अगर सिली मिस्टेक करोगे तो आते हुए क्वेश्चन में टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस फोर की जगह माइनस वन मिलेगा, तो अवॉइड सिली मिस्टेक। पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए, 5 सेकंड थोड़ा ज्यादा देंगे तो वो आपका 5 या 10 मिनट बचा लेगा। क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर उसके बाद देख रहे भाई कहां गलती है, ये तो और बड़ी मूर्खता होगी। 5 मिनट तो आपने अपने वेस्ट कर ही दिए, फिर चेक करने में 2 मिनट और वेस्ट कर दिए, क्या गारंटी है कि इतने बड़े सॉल्यूशन में आप चेक भी कर पाएंगे कहां सिली मिस्टेक की थी। इसीलिए गाइस पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नाउ देखिए आज की वीडियो में आपको मैंने सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए जो टिप्स थी, जो मेरे और मेरे जो IIT वाले फ्रेंड्स हैं उनके जो एक्सपीरियंस हैं एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एक्सपीरियंस मैंने आपको साथ शेयर किया। आप उनको ध्यान दीजिए, कभी भी आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नो नेगेटिव, तो ध्यान दीजिए इसको। नाउ ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई होगी, आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो प्लीज़ क्या कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एक बार लाइक करना तो बनता है। एंड यार जाने से पहले सबके साथ शेयर जरूर करो, बोलते नहीं है शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए आपने रिक्वेस्ट किया, मैंने आपकी हेल्प की, मैं आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, अब आप क्या करेंगे, आप दूसरे बच्चों की हेल्प कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। आप अगर दूसरों के साथ हेल्प करेंगे, उनके साथ अच्छा करेंगे, तो अल्टीमेटली देखना आपके साथ भी अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ भी अच्छा होता है। तो जल्दी से यार इस वीडियो को शेयर कर दो। एंड अगर नए हैं तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहां पर डेली मिलती है आपको 8 घंटे की लाइव क्लासेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में JEE मेन एंड JEE एडवांस की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, देखिए जाके, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको 8 घंटे की लाइव क्लास मिल रही है, JEE 2020 के लिए आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है। तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, तो आज देखिए जो आपने डिमांड की, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आई हूँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ। इफ यू वॉन्ट देन कमेंट योर टॉपिक्स इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आपके कमेंट्स, आप कमेंट करेंगे, मैं उनको पढ़ूंगी एंड ऑब्वियसली आपकी हेल्प करने के लिए एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगी, तो कमेंट करना मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।